इन्हें कुछ मत कहिएगा कभी। ये जब चाहे अपनी मर्जी से लिमिट्स क्रॉस कर सकते हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं है। इनको इतना भी ख्याल नहीं है कि मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे। इनकी वजह मेरी वजह से तुम्हारे या तुम्हारे ससुराल वालों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शाहजहां सिर्फ आपकी भलाई चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं वो, ठीक है? मुझे नहीं जरूरत किसी की भलाई की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। देख रही हैं अम्मियां, देख नहीं रही हैं कितनी बदतमीज और हठधर्म होती जा रही है। लेकिन नहीं, आप सिर्फ मुझे समझाइए, क्योंकि इस घर में सबसे गलत सिर्फ मैं होती हूँ, हमेशा गलती मेरी होती है। नहीं बल्कि आप दोनों मिलकर हमेशा मुझे समझाया करें, क्योंकि और तो बाकी सब समझदार हैं यहाँ पर। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बिला वजह रोकने की, अपने आप को हलकान कर लिया। मैं पहले से ही जानती हूँ उस लड़की की ये सारी हठधर्मियाँ, शरीफ लड़कियों के ये लच्छा नहीं हुआ करते। तौबा तौबा, ना कोई शर्म ना कोई लिहाज, अरे कैसे मुंह फाड़े सब लोगों के दरमियान मॉडर्न जमाने पे लेक्चर दे रही थी। देखो शाहजहां, जिस लड़की के चक्कर में तुम दिल को रोग लगा के बैठे हो ना, वो तुम्हारे काबिल नहीं, बहुत ऊपर की चीज बन गई है। ट्रेलर तो देख लिया ना कल शाम को, बस इसीलिए कहे वो स्याह करे या सफेद, तुम नहीं रोकोगे उसे। आखिर उसकी बहन भी तो है छोटी, मजाल है जो उस लड़की को किसी बात से रोक दो और वो दोबारा करने का सोच भी ले। मगर ये लड़की बड़ी दीदा हवाई है। एक ही बातें बार बार कहते तुम थक नहीं जाती अम्मा? मैं थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ। मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी भाई, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं आइंदा नहीं बोलूंगी। मोहब्बत करते हो मुझसे? बोलो शाहजहां, करते हो ना मोहब्बत मुझसे? क्यों बुलाया मुझे यहाँ? ऋषि बैठ के बात करते हैं। यही बात करते हैं, और जल्दी बोलो मुझे कहीं जाना है। कहाँ जाना है आपको? जिसे आपकी मंगनी हुई है उससे मिलने हैं। मैनेजर, अगर मैं आपसे कहूं कि वो जहर अच्छा लड़का नहीं है, वो आपके काबिल नहीं है, तो क्या आप मेरी बात पे यकीन कर लेंगी? तुम्हारे कहने से क्या होता है, हकीकत तो सबके सामने ही है ना। क्या नहीं है जहर के पास? इस कदर पैसा है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल है उसका, ये सब कुछ तो मैं ख्वाब में सोचा करती थी, मुझे तो घर बैठे मिल गया है। बस यही चाहिए था आपको? एक लड़की को और क्या चाहिए होता? अच्छा घर, अच्छा शौहर, गाड़ी, पैसा, नौकर चाकर, ये सब कुछ है उजैर के पास। मुझे तो लगता है मैंने कोई नेकी की होगी जो बैठे बिठाए मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल गया है। जाहिरी चमक दमक पे ना जाएं आप, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। मुझे लगता है उजैर आपके काबिल नहीं है, उसे शादी ना करें आप पछताएंगी बहुत। तो तुम मुझसे बदला ले रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये बात आप मुझसे बोल रही हैं। अरे जी, मैं से सोच भी नहीं सकता। लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि तुम किस कदर बेच सकते हो। मुझे यूं जलील मत करो शाहजहां, वरना तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं होगा।
आ रहा है ना, ये कलर मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है। एक काम करती हूँ, मैं रख लेती हूँ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आप ही के ससुराल वाले तो इतने अमीर है, नया ले देंगे उनको आराम से। ये अच्छा है। अच्छा वैसे, अरे हाँ एक बात बता, ये बुंदे आप किसको देने वाली हैं? एक तुम्हें दे दूंगी, एक मेरू को। एक एक, एक से क्या फायदा होगा? हर चीज फायदे के लिए तो नहीं होती। बुंदे को देखना, मुझे याद करना और हंसना कि अम्मी ने एक बुंदा मुझे दे दिया, एक मेरू को। अम्मी, इतने अरसे से आपने बुंदे पहन रखे, एक दफा भी मैंने आपके कानों से उतरे हुए नहीं देखा। अपनी शादी की पहली सालगिरह से पहने हुए मैंने, मास्टर साहब ने पहनाए थे इस वादे के साथ कि मैंने कभी नहीं उतारूंगी, और मैंने कभी नहीं उतारूंगी, तुम देखना। आपके मास्टर साहब जो थे वो रोमांटिक नहीं थे काफी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या समझते हो तुम, हर बार नए अंदाज से मुझे बेवकूफ बना लोगे? हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्यों हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए हो? मेरी ही गलती है जो मैंने तुम पर एतबार किया, तुम्हें एक और मौका दिया। कह दिया जो कहना था, और पानी पियो फिर बात करते। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे सिवाय सबूतों के। पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा, सबूत है मेरे पास, एक एक सबूत। मेरे साथ की बहुत सारी लड़कियों की शादी हुई थी मेरे आगे पीछे ही, सबको प्यार नहीं मिलता है, जिन्हें मिलता है उन्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, दिल नर्म रखने चाहिए, अल्लाह का एहसान मानना चाहिए बेटे। अरे मेहरू आओ बेटे, देखो तुम्हारी शादी के लिए कपड़े लाए हैं, बाद में देखते हैं। इन्हें क्या हुआ? इनको सही से तय करो, ये क्या कर रही हो? अरे मैं तय कर रहा। वाह, थैंक यू।
नुसरत, अगर आप इजाजत दें तो रस्म शुरू करें। जी जी बिल्कुल कीजिए। एक मिनट, एक तरफ हो जाए। आपका नाम सलमा है? जी मेरा नाम है। और आपका नाम उजैर है? जी। आप दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है मेरे पास। ने किया क्या है? लड़कियों को शादी के बहाने अगवा करके स्मगल करने का इल्जाम है आप लोगों पर। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं बीबी। आपका और आपके बेटे का खेल खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा गैंग है इन लोगों का। काफी अरसे से हमें इनकी तलाश थी। अब तक न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं ये लोग। रूप बदलना तो इन लोगों का काम है। पर शुक्र करें कि आप लोगों की कोई नेकी काम आ गई। क्या बकवास कर रहे हो? तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? एक मिनट में तुम्हें मरवा सकती हूं। आपको तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम, लेकिन बहुत जल्द अखबारों की सुर्खियां और टीवी पर यह खबर चलने के बाद सब लोग जान जाएंगे आपको। बड़ी भारी किस्मत लेके पैदा हुई है भाई। बाप की जान तो ले ली, लगते अब माँ की भी जान लेगी। चलो गिरफ्तार करो इन्हें, ले चलो। चलो बीबी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। आप यकीन जाने आपने बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया हम सबको। अब तो आप खुश हैं ना शाहजहां साहब, इतना बड़ा आपका काम कर दिया है। अब आइए मेरे साथ। नुसरत भाभी, इतनी छानबीन के बावजूद इतना बड़ा धोखा, भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत बड़ी परेशानी से बच गए। ये सोच के परेशान हो रही हूँ, कैसे किस्मत पाई है आपने? ये परेशानियाँ हैं जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रही। बताए भला, एक तलाक याफ्ता लड़की की दोबारा शादी, और वो भी सोचे लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। मैं और आप जानते हैं ना कि सच्चाई क्या है, लेकिन लोग ये दुनिया नहीं देती सच का साथ। बेचारे ये चार दिन गुजरेंगे नहीं कि फिर उसी कटहरे में आपकी बच्ची बेचारी को। अल्लाह आपको सबर दे, सबर दे।